हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। टूडे वी विल डू वन मोर न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्लीयर? तो हूँ कल जो आप क्वेश्चन किया असी ओनली कैपिटल अकाउंट बनाना सी, बट अज वाले क्वेश्चन असी सारे पार्टनरस का कैपिटल अकाउंट बनावे, बैलेंस शीट भी बनावे। तो जो थोड़े को 89th क्वेश्चन है, ए बी सी थ्री पार्टनरस है इक्वली प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। सी की डैथ होगी 31 मार्च में, साल साडा खत्म होंगे 31 दिसंबर में, 3 मंथ हो रहा साढ़े को जनवरी फरवरी मार्च। क्लीयर? दैन बैलेंस शीट के क्राइटर गिवन आ, जनरल रिजर्व गिवन आ, जिहड़े असी कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनवैसटमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ, जे कोई इनवैसटमेंट के रेट वधन घटनगे तो वह आप एडजस्ट करांगे। दैन नैक्सट है साढ़े को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डैट्स। देखो जान यू जो है डैटर्स चो माइनस किए होंगे, बट इन्होंने इतने सानू लाइबिलिटी साइड गिवन आ, है उही चीज़ आ। दैन कैपिटल है, बाकी अपन एसेट्स दिते हुए इनवैसटमेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गुडविल, गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर्ड हो असी ये भी डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी है डेबिट साइड। दैन ऑन द डेट ऑफ डैथ की होया उन्हां कोले, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिहड़ी पहला 30,000 की सी हुण 57,000 की होगी, मतलब कि 27,000 इनक्रीज होगी। डैटर कहिंदे सारे दे सारे गुड हो गए, जिहड़ा 1,800 रुपए साडा डुबना सी ओह नहीं डुबना, ये भी अपन नूं फायदा हो गया। इनवैसटमेंट की वैल्यू हुई 7,500, तो ये इनवैसटमेंट ए ने लै ली। देखो इनवैसटमेंट है किन्ने दी सी 8,000 की, हुण उहदी वैल्यू किन्नी रह गई 7,500, मीनस के सानू लॉस होया किन्ने दा 500 दा, पर जिहड़ा असी रिजर्व बनाया वा सी उह असी बनाया वा सी 2100 दा। हुण 2100 चों 500 दा लॉस हो गया तो साडा फायदा किन्ना हो गया 1600 रुपए। क्लीयर? दैन वर्कमैन कंपनसेशन की न्यू लाइबिलिटी राइज होगी 3,000 रुपए। गुडविल आ जिहड़ी असी वैल्यू करनी है, 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। सी का जिहड़ा सी प्रॉफिट का शेयर करना कैलकुलेटड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयरस प्रॉफिट, लास्ट 5 ईयरस प्रॉफिट गिवन आ। देखो जो तो असी करनी है गुडविल कैलकुलेट, वह तो असी 5 ईयर के प्रॉफिट प्लस करके ये एवरेज कढ़ांगे। क्लीयर? एवरेज तो बाद जिहड़ा है वह शेयर कढ़ांगे, पर जो असी प्रॉफिट के शेयर कढ़ने उदों असी ओनली लास्ट ईयर प्रॉफिट लवेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा वा ओनली लास्ट, लास्ट ईयर के प्रॉफिट 12,000 है, ये उदा शेयर के मंथ लगा देंगे। तो हम ये फर्स्टली ए बी सी तीन पार्टनर आ इक्वल पार्टनर से, वो डैथ होगी सी की तो न्यू रेशो भी किन्नी रहेगी इक्वल 1:1। फर्स्टली गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए का अगर असी न्यू शेयर देखिए 1/2, ओल्ड शेयर 1/3, 6 LCM, 3 - 2 1/6। बी का ओल्ड शेयर 1/2, न्यू 1/3, 6, 3 - 2 1/6, तो गेनिंग रेशो आ गई 1:1। हुण असी की कैलकुलेट करनी है गुडविल, गुडविल लई फर्स्टली असी कैलकुलेट करने हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ साडे कोल 5 ईयरस का जिहड़ी एवरेज, फस्ट ईयर के प्रॉफिट तुहानू गिवन आ 11,500, सैकेंड ईयर के गिवन आ 12,500, थर्ड ईयर के गिवन आ 8,000, फोर्थ ईयर के 10,000, तो फिफ्थ ईयर के 12,000 डिवाइडेड बाय 5। इन्हां 5 सालों का टोटल आ गया 54,000, 5 से डिवाइड करन तो बाद साढ़े को एवरेज प्रॉफिट आ गए 10,800। गुडविल से साड़ी 1 ईयर परचेज, अगर 1 ईयर परचेज से तो इन 1 मल्टीप्लाई कर दो, मीनस गुडविल ऑफ फर्म कि आ गई 10,800। हम असी ये बी का शेयर कढ लेंगे 10,800 मल्टीप्लाई 1/3, तो बी का शेयर आ जिहड़ा अपने कोल गुडविल का निकलिया आ 3600 रुपए। क्लीयर? यदा गुडविल का शेयर हो गया। जर्नल एंट्री पा देंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट, मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डिकीज्ड पार्टनर डैथ की हुई है सी की, सी नू आपकी गुडविल 3600 रुपए मिल जानी है दोनों पार्टनरस तो 1800 1800। दैन एक साढ़े को जर्नल रिजर्व से जी असी डिस्ट्रीब्यूट करने से, वो असी ऑल पार्टनरस डिस्ट्रीब्यूट करा, जो उन्होंने रिजर्व मिलते हैं तो पार्टनर क्रैडिट होंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व उन्होंने है 6,000 के, तो तिना पार्टनरस 2,000 आ जोड़े जनरल रिजर्व मिल गए। एक है साढ़े कोलरेडी अपीयर्ड गुडविल, वो सारे पार्टनर डेबिट हो गए, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू गुडविल। गुडविल साढ़े को ऑलरेडी अपीयर्ड हैगी 13,500, ये जो असं सारे पार्टनरस के इक्वल रेशो डिवाइड करा 1/3 1/3 1/3, ये साढ़े को आ गया 4,500। क्लीयर? दैन रिवैल्युएशन अकाउंट, रिवैल्युएशन अकाउंट लिए फस्टली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिहड़ी पहला 30,000 की सी हुण 57,000 की होगी, मतलब कि 27,000 इनक्रीज होगी, सानू फायदा हो गया।
दैन डेटर ऑल गुड हो गए, मीनस के जी 1800 की प्रोविजन से नहीं डुबने, वो भी सानू फायदा हो गया। स्टॉक आ जिहड़ा वह रीवैल्यू हो गया 25,000 से, पहला सीगा 28,000 का, तो स्टॉक घट गया है, सानू नुकसान हो गया डेबिट साइड। एक जो साढ़े को इनवैसटमेंट से इनवैसटमेंट फ्लक्चुएशन फंड सीगा 2100 का, बट लॉस सिर्फ 500 का ही होया, तो 1600 का सानू फायदा हो गया। दैन नैक्सट आ साढ़े को एक जो न्यू लाइबिलिटी राइज हुई है वर्कमैन फंड के लिए, वो साढ़े लिए लॉस आ 3000 का, क्लीयर। दैन इस साइड साढ़े को टोटल बन गया 30,400 रुपए, जिदे 6,000 माइनस हो जाएगा तो रिवैल्युएशन प्रॉफिट साढ़े को आ जाने 24,400। ये 24,400 असी तिना पार्टनरस के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी ते सी दे विच, ये साढ़े को 8,133। दैन सिमिलरली जिदा तुसी अगे कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, फर्स्टली बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, वो साढ़े को है तीनों पार्टनरस का 30,000, 25,000, 21,000। दैन जो उन्होंने रिजर्व चो शेयर मिले तिना 2,000, 2,000, 2,000, दैन जो उन्होंने जो अपने को गुडविल मिली है, गुडविल हम उन्होंने मिली है सी नू ए तो ते बी तो 1800 1800, इन्हों दे अकाउंट चो कट्टी गई है सी करके 1800 ते 1800। एक जिहड़ी ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है वो असी तिना पार्टनरस दे विच वंड के खत्म की है 4500 4500 ते 4500। दैन ए ने इनवैसटमेंट टेक ओवर की सी, वो भी असी इहदे अकाउंट चो पैसे कट लाँगे। इन्हों जो रिवैल्युएशन प्रॉफिट्स मिले आ वो असी देवांगे, तिना दे विच असी डिस्ट्रीब्यूट किए 8,133। दैन नैक्सट एक हूँ असी जिदी डैथ हुई है वह प्रॉफिट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट शेयर असी कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। लास्ट ईयर के प्रॉफिट किन्ने सी 12,000, जिदी डैथ हुई है वह शेयर किन्ना सी 1/3, एंड उदी डैथ हुई है 31 मार्च में, तो वह साढ़े को किन्ने महीने रहा है 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, तो यह साढ़े को शेयर आ गया, उसका जो प्रॉफिट्स का शेयर आ गया वो आ गया 1000। तो यह हम जो असी डिकीज्ड पार्टनर उसका शेयर देना होंगे वो असी दिने बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एमरजेंसी कंडीशन अराइज हुई है कि टाइम पर डैथ होगी तो सानू पेमेंट करनी पैगी, तो जेडे कोई एमरजेंसी एक्सपेंसिज वो असी दिने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के, क्लीयर। तो हम असी इन्हों का बैलेंस कर देंगे, सी का जोड़ा पैसा बनेगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी पार्टनर का असी बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे सेम जिदा अगे करते हैं। इधरले टोटल चो ये माइनस करन तो बाद एदा तुहाडे कोले आ जाएगा 26,333 रुपए, बी का तुहाडे कोले आ जाएगा 28,833 रुपए, तो सी का सारा कैलकुलेशन करके दे चो ये माइनस करन तो बाद इहदे एग्जीक्यूटर नूं असी ट्रांसफर करांगे 31,234 रुपए, क्लीयर। दैन लास्टली असी प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो देखो क्रैडिटर सेम आ जाएंगे 25,000 के, क्लीयर। जर्नल साहब असी डिस्ट्रीब्यूट करते, इनवैसटमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी जोड़ा है अपने को यूज हो गया, प्रोविजन भी गुड हो गई सारी। तो नैक्सट अपने को आ गई कैपीटल ए ते बी दी, ए दी कैपीटल है 26,633 रुपए, बी दी कैपीटल है 28,833 रुपए। दैन सी दे एग्जीक्यूटर का लोन, क्योंकि सी की तो डैथ होगी तो असी एग्जीक्यूटर का नेम शो करा 31,234 रुपए, तो एक जो साड़ी वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी राइज हुई है 3000 की, क्लीयर। एसिड साइड कैश साढ़े को सेम पिया है 13,400 रुपए, डैटरस आ जोड़े सारे गुड हो गए सी 18,000 का 18,000, स्टॉक आ जोड़ा वो साढ़े को डिक्रीज होकर रह गया सी 25,000। एक जो साढ़े को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से वो इनक्रीज होकर होगी सी 57,000, क्लीयर। एक हूँ जो आप प्रॉफिट एंड लॉस का सी 1000 उन्होंने देना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये जिन्ना चर साडा कंप्लीट नहीं होंगे उन्ना चर असी इनू एसेट साइड शो करेंगे, तो टोटल जो तुम दोनों साइड्स का करोगे तुहाडे कोले इक्वल आंसर आ जाएगा 1,14,400, क्लीयर। बस जो जो डैथ होंगी पार्टनर की तो जो उन्होंने लिखा कि उन्होंने गुडविल का शेयर इदा देना है, रिजर्व का शेयर इदा देना है, जो भी उन्होंने लिखा से सिमिलरली उदा ही अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन करना, क्लीयर। आई होप यू अंडरस्टैंड वैल, थैंक यू स्टूडेंट्स।